बारिश का दौर लगातार चल रहा है और बारिश कुछ दिन और रहने वाली है। तो दोस्तों आपको तो पता ही है कि पीडीए कभी रुकने वाला नहीं है, तो जैसे कि देख रहे हैं आप ये हिल ग्राउंड पर प्रैक्टिस चल रही है। और आप भी कोशिश करिए कि आप भी एक दिन भी पीटी मिस ना करें, क्योंकि अगर आप एक दिन पीटी में नहीं जाते तो आप दो दिन पीछे चले जाते हैं, तो इसलिए कंटिन्यू पीटी में रहे। और जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पर हमारा पीडीए का कमांडो बहुत खतरनाक तरीके से जोर से भरे हुए, जल्दी नीचे जाओ गो। तेज दौड़ के बता रखा है कि इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के लिए आपकी जो हाइट होती है वो 168 सेंटीमीटर होती है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये हर स्टेट वाइज डिपेंड होती है, हर स्टेट में अलग अलग तरीके से हाइट लगती है। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही बताने वाला हूँ कि आपके कौन से स्टेट और आपके यार वाइज आपकी क्या क्या हाइट लगती है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हिल ग्राउंड पर प्रैक्टिस चल रही है। आ जाओ ऊपर आ जाओ, सबस मुझे क्रॉस करना है, मेरे भी ऊपर जाना है। सबस 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 बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सबस। कट बन कट बन कट दो दो तीन दो चार दो पांच दो छः दो सात। जैसा कि 1600 मीटर रनिंग के लिए कोर वर्कआउट बहुत ही जरूरी है, पैड फिट है तो आपका रनिंग हिट है। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो हमारे पीडीए कमांडो कोर वर्कआउट के लिए तैयार है, और अभी हमारे जो कल्याण सर हैं आज उनका कोर वर्कआउट ले रहे हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं अभी कोर वर्कआउट स्टार्ट होने वाला है, स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों कोर वर्कआउट करना बहुत ही जरूरी है और ये आपको डेली करना चाहिए, तभी आपका पेट बिल्कुल मजबूत हो जाएगा ना, तो आपको 1600 मीटर रनिंग जो आपका टाइम है उससे आपको कोई नहीं रोक सकता है। जय हिंद।